पुतिन का कोर्ट भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम बात करने वाले हैं पुतिन के कोर्ट भी की, क्योंकि यह कोर्ट हैरान करने वाला है। इसमें बूता है, इसमें बदला है, बम है, बारूद है, बर्बरता है, बूचा का नरसंहार इसी की बानगी है। कोर्ट भी को अमल कर पुतिन ने यूक्रेन को बताने की यह कोशिश की है कि अब वो किस हद तक जा सकते हैं। पुतिन के कोर्ट भी पर इस वक्त पूरी दुनिया सन्न है। अमेरिका ने पुतिन को युद्ध का अपराधी घोषित कर दिया है। पुतिन पर केस चलाने की बात की जा रही है, लेकिन पुतिन है कि यहां पर बेखौफ है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं हमारे सेट की, ये आज की यूक्रेन की कहानी है। जिस तरह से यहां पर आपको ये बम उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही बिल्डिंगें वहां धू धू कर जल रही हैं, सड़कों पर ऐसे ही लाशें पड़ी हैं। बूचा वो जगह है जहां नरसंहार हो गया है, और इसीलिए हमने कोशिश की कि आज तक के इस हाईटेक स्टूडियो के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करें कि देखिए यूक्रेन के हालात क्या है। लेकिन ये हालात इस हाईटेक स्टूडियो से हम आपको दिखाएंगे। प्लान बी में क्या कुछ है, हम आपको वो भी बताते हैं, क्योंकि प्लान बी आपको समझना बहुत जरूरी है। प्लान बी में बूचा का जिक्र आता है। बूचा का जिक्र आता है तो बयान याद आता है जब जो बाइडन ने कहा था कि पुतिन बुचर है, और यही कुछ यहां देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर देखिए आप, बूचा की बात आप करेंगे तो बूचा में कत्लेआम हो गया है, नरसंहार हो गया है। यह माना जा रहा है कि वहां पर लाशों को बिछा दिया गया है। जैसे जैसे पुतिन की सेना कीव के आसपास के इलाके बूचा इरपिन से आगे बढ़ती है, वैसे वैसे देखिए ये टैंक जैसे आपको यहां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद लाशों का ढेर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्डिंगें यूं ही धधक रही हैं, लाशें चारों तरफ बिखरी हुई हैं, मां बाप अपने बच्चों को लेकर बिलख रहे हैं, और पुतिन को दुनिया युद्ध का अपराधी कह रही है। लेकिन इन सब के बीच में बीच से एक और भी बात निकल कर आती है, और वो है बाइडेन। अब बाइडेन किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बाइडेन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुतिन को कहा था कि वो कसाई हैं। कसाई मतलब बुचर। तो बीच से जो ये कोड भी है वो बुचर को लेकर यहां पर पुतिन ने बदला लिया है। अब ये बदला जो आया यहां पर वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 40 दिन से ऊपर का वक्त बीत गया है और पुतिन के हाथ पूरी तरीके से खाली है। लेकिन ऑपरेशन बी कोड जो ये है, इसमें बमबारी बहुत ज्यादा है, और यह बमबारी इस मैप के जरिए हमने आपको समझा कोशिश की है, क्योंकि चारों तरफ अगर आप इस सेट को भी देखेंगे तो यहां पर आपको आग नजर आ रही है। ये तमाम शहरों की कहानी है, बूचा, इरपिन, मारियोपोल, आप शहरों के नाम लेते जाइए, खार्किव, जहां जहां आप जाएंगे, कीव को छोड़कर बाकी हर जगह आपको ऐसे ही रूसी टैंक वहां जाते हुए नजर आएंगे, और चारों तरफ यह बी फॉर बर्बरता की कहानी जो है वो भी नजर आएगी। तो यूक्रेन में पुतिन का कोड बी जो है उसके कुछ मतलब हमने आपको समझाया, लेकिन पूरी जानकारी हम आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अगर युद्ध का अंजाम देखना हो तो बूचा को देख लो, अगर जंग की विभीषिका देखनी हो तो बूचा की तस्वीरें देख लो, अगर वॉर की बर्बादी देखनी हो तो बूचा की सड़कों को देख लो। हर तरफ लाशें बिखरी हैं, घरों में घुसकर मारा गया, बंकर में हाथ पैर बांधकर गोलियों से भूना गया, कारों में बैठे लोगों को उड़ा दिया गया। तो यही था यूक्रेन में पुतिन का कोड बी, बूचा बदला बाइडेन बमबारी बर्बरता और बर्बादी। बूचा में हर तरफ तबाही बर्बादी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन का कोड बी का अंजाम अपनी आंखों से देखा। बूचा में शहर में लाशें मिली, बंकरों में शव मिले, सड़कों पर बेजान जिस्मों के अंबार। पुतिन का कोड बी खौफनाक है। पुतिन के ऑर्डर से ही बूचा में आम लोगों का मर्डर हुआ, घर में घुसकर कत्लेआम किया गया। पुतिन ने बाइडेन को भी बता दिया कि वो किस हद तक जा सकते हैं। अब बाइडेन युद्ध अपराध का केस चलाने की बात कर रहे हैं। कोड बी के पीछे बदले की क्रूर सोच है, सबक सिखाने की बर्बर मंशा रही है, सिर उठाने की जुर्रत के लिए पुतिन यूक्रेन को सबक सिखा रहे हैं। बातें तो बहुत हुई कि निशाने पर सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन पुतिन की सेना ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की, तबाही मचाई, लोगों को हाथ पैर बांधकर गोली मारी गई, घरों में घुस घुस कर हत्या की गई। अब शहर शहर बर्बाद है, तबाह है।